अलविदा 2018, अलविदा साल 2018 का आखिरी सूरज तल्ख और हसीन जादों के साथ गरूब होने को, नई उम्मीदें, नया जोश और नया बलबला, हर किसी को नए साल से उम्मीदें बहार। साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा एहतसाब की जद में आ गया। फक्रेम टावर प्रोजेक्ट में बेजाबतियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। नैब ने पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। इंसानी सेहत से खेलने वाले अब्बास आ जाएं, खुले मसालों की फरोख का आज आखिरी रोज, कल से बगैर पैकिंग मसालों की फरोख पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों का लाइसेंस कैंसिल, माल जब्त कर लिया जाएगा। पैकिंग पर इजराए वजन, तारीख इजरा और मुद्दत इस्तेमाल दर्ज करना लाजिम होगा। यकुम जनवरी से खुले मिर्च मसाले बेचने नहीं देंगे डीजी फूड अथॉरिटी। कोर्ट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मरियम नवाज की डेढ़ घंटे तक मुलाकात, वकला की टीम भी मुलाकात में मौजूद रही। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील के कागजात पर दस्तखत कर दिए। नैब में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक को एक मरतबा फिर से वफाकी दारुल हुकूमत जाने का परवाना मिल गया। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर रेलवे का 4 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। 4 जनवरी तक इस्लामाबाद में रह सकेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस कमेटी के इजलास में शिरकत करना है। काले नो की आमद, कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजदार की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम करने की हदायत। पुलिस अमनोआमा की फजा को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे, उस्मान गुजदार। नए साल का जश्न, हुल्लड़बाजी करने देंगे ना ही हवाई फायरिंग। पुलिस ने मंचलों से निमटने की तैयारी मुकम्मल कर ली। आतिशबाजी या फिर वन व्हीलिंग, जिसने भी कानून को हाथ में लिया उसको नहीं छोड़ेंगे डीआईजी ऑपरेशंस। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, 10,000 जवान ड्यूटी देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक ओहदे से रिटायर्ड हो गए। फाजिल चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान समेत दीगर जज साहिबान शरीक हुए। अपने हिस्से की शमा जलाई, 9 हफ्तों में अहम काम किए, किसी की दिल आजारी नहीं की, जस्टिस अनवारुल हक। साथ ही जजेस ने शानदार तरीके से अलविदा किया। नए चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान कल हलफ उठाएंगे। कानून के बरअक्स कारोबार करने पर सब्जी मंडी मुल्तान रोड की कई दुकानें सील, ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। सब्जी मंडी में आटा और दालें बेचना गुनाह बन गया, कुछ गैर कानूनी नहीं किया ताजिर और आती। सब्जियों के अलावा दीगर सामान बेचना गैर कानूनी, 3 बार नोटिस दिए दुकानदार बास नहीं आए। कानून के मुताबिक दुकानें सील करके लाइसेंस जब्त किए हैं, ACCT अहमद रजा भट्ट का बयान। महंगाई, तवानाई बहरान, हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी। जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा, सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने क्यादत की। 100 दिन गुजरे भी 30 दिन हो गए, महंगाई कम हुई ना ही कोई वादा पूरा हुआ। हुकूमत होश के नाखून ले, एहतसाब सबका होना चाहिए, लियाकत बलोच का मुजाहिरे से खताब। शहर में एक बार फिर से तवानाई बहरान ने सर उठा लिया। ज्यादातर इलाकों में सुई गैस गायब, जहां है वहां प्रेशर कम है। LPG माफिया अलहदा से लूटमार में मसरूफ। LPG 180 रुपए से 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। लकड़ियां और कोयले बेचने वाले भी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। बिजली भी बार बार बंद, कई इलाकों में पानी भी नायाब हो गया। बल्दिया उज़्मा के इजलासों की कहानी वही पुरानी। 2018 में 10 इजलास हुए, रस्ताकशी, इल्जामात, हंगामाराई होती रही। रेवेन्यू अहदाफ अधूरे रहे, अरबों की स्कीमें नामुकम्मल रहीं। ऑपरेशन तो कई हुए मगर तजावुजात का खात्मा ना हो सका। 257 करारदादें मंजूर हुई, अमल कम ही हुआ। पंजाब में तेल से पैदा होने वाली महंगी बिजली पर विफाक परेशान। फौरी शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू करने की हदायत कर दी। विफाकी कैबिनेट डिवीजन ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया।
जाली डिग्रियों पर फजाई नौकरियों के मजे लेने वाले अब जमीन पर आ गए। कौमी एयरलाइन के पायलट्स और दीगर अमले के गिर शिकंजा सख्त कर दिया गया। पीआईए इंतजामिया ने 21 पायलट मौतल, कैबिन क्रू के 6 मुलाजमान की छुट्टी कर दी। कार्रवाई इसनाद जाली होने के शुबा पर की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे पाकिस्तान स्टडीज और शोबे तारीख की सस्ती। पंजाब यूनिवर्सिटी का निसाब तालीम 30 साल बाद भी तब्दील न हो सका। तारीख का मौजू 1988 के बाद ही तब्दील नहीं किया गया। पब्लिशर्स 30 सालों से तारीख के मजमून का एक ही निसाब शाया कर रहे हैं। तलबा को सिर्फ 5 सवाल कराकर बीए की डिग्री दे दी जाती है। वज़ीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। 400 मेडिकल ऑफिसर्स की बतौर एनेस्थीसिया माहिर तरबियत और 300 टेक्नोलॉजिस्ट भर्ती करने का फैसला। भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएगी। वज़ीरे सेहत की 31 मार्च तक जिले अस्पतालों से रेफरल सिस्टम का मैकेनिज्म मुकम्मल करने की हदायत। चार सौ 17 लेडी कांस्टेबल का चाको चौबंद दस्ता लाहौर पुलिस का हिस्सा बन गया। चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डीआईजी फरान बेग ने असनाद तकसीम की। तकरीब में शरीक मोटिवेशनल स्पीकर सारा अब्बास ने हिम्मत न हारने और आगे बढ़ने का दर्ज दिया। एलडीए का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब्दालीन हाउसिंग स्कीम में दुकानें सील। बॉकलैंड सोसाइटी में एलडीए की पब्लिक बिल्डिंग पर तामीर दो गाने मिसमार कर दी गईं। नेस पार्क फेज 3 में प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। बड़े बड़े नामों के खिलाफ एफबीआर इन एक्शन। डिपार्टमेंटल स्टोर जलाल सन्स की डिफेंस फेज 5 की ब्रांच पर छापा। स्टोर का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। जलाल सन्स सेल ज्यादा मगर जाहिर कम कर रहा था एफबीआर। अब सिर्फ कंप्यूटराइज्ड असलहा लाइसेंस, बाकी सारे लाइसेंस मंसूख होंगे। असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज करवाने की आज आखिरी तारीख। जो रह गया उसका मैनुअल असलहा लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। दो हजार 2018 शहर में 2000 खातीन को हिरासा किया गया। 687 खातीन को हिरासा करने के मुकदमात दर्ज किए गए। खातीन की खसूसी अदालत ने 20 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुनाई। पंजाब की पहली इंसदाद सिन्फी तशद्दुद की खसूसी अदालत ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी।